नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। और आज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग, यानी टाइप्स ऑफ बैंक आप लोग सोच रहे होंगे दिमाग में, लेकिन आज कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ बैंकिंग है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में और क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है दोस्तों। थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिचेस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि यस सर आवाज़ सही आ रही है। और बिल्कुल मैंने भी चेक कर लिया कि आवाज़ सही आ रही है, सभी कुछ फाइन चल रहा है। तो देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है। टाइप्स ऑफ बैंक होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, डेवलपमेंट बैंक क्या है, स्पेशलाइज्ड बैंक क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, स्मॉल बैंक क्या है, पेमेंट बैंक क्या है। ये जो सेशन है ये टाइप्स ऑफ बैंक का नहीं है, ये सेशन जो है दोस्तों वो टाइप्स ऑफ बैंकिंग का है। मैं आ गया हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही सारी चीज़, तो फटाफट यहाँ लिखते चलो यस सर यस सर यस सर, सारी चीज़ें हमें जो है कि समझ में आ रही है। और सारी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, ये यहाँ पे यूनिवर्सल की स्पेलिंग गलत है, UNIVER होगा, है ना। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है, पैरा बैंकिंग क्या होती है, इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है दोस्तों, है रिटेल बैंकिंग क्या होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। होलसेल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, कोर बैंकिंग, चेन बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, मिक्स बैंकिंग, सोशल बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग, क्वासी बैंकिंग, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक बैंक के अंदर कई सारी बैंकिंग की खूबी हो सकती है, ये भी बता दूं मैं आप लोग को, क्योंकि बैंकिंग क्या है, एक सर्विस है, और एक बैंक जो सर्विस देता है उसके हिसाब से वो वैसी बैंकिंग कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने टाइटल भी देखा होगा कि सर्विसेज की बात हो रही है, तो भाई माफी चाहूंगा जो भी लेट हुआ, आप लोगों को विलंब हुआ, इंतजार करना पड़ा। मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई गेम चेंजर बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग कंप्लीट जीए का पूरा बैच लेके चल रहे हैं, और बच्चे इतना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और मजा आ रहा है इस बैच में, और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया इस बैच को, भाई मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। मंडे टू सैटरडे ये बैच चल रहा है, टाइमिंग रात 8 बजे से जब तक मन करे तब तक, यानी कल हम लोगों ने 9:45 बजे तक पढ़ा, जब तक आत्मनिर्भर भारत के 5वें दिन कल, क्योंकि बर्निंग इशू का सेशन था, एक दिन मैंने बर्निंग इशू कर रहा हूँ, एक दिन शेडिक जी के, 2 दिन बैंकिंग, 2 दिन करेंट अफेयर। तो जब तक आप लोग के डाउट्स चलते रहते हैं तब तक हम लोग का पेज नहीं आगे बढ़ता वो उस सेशन में। तो इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए वेबिनार पर adda247.com के लाइव क्लासेस में, अड्डा स्टोर पर जाके इस बैच को ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर पूरे जनवरी से लेकर के 4 अगस्त तक की क्लास आपकी चलने वाली है, पूरा हम लोग करंट अफेयर लेके चल रहे हैं, बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, करंट अफेयर में भी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्लियर हो रहा है, स्टैटिक जीके क्लियर हो रहा है, बर्निंग इश्यूज तो सबके लिए एक एक दिन रखा है, लेकिन करंट अफेयर बैंकिंग के लिए 2-2 दिन रखा है, यानी हफ्ते में 6 दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 दिन करंट अफेयर, 2 दिन बैंकिंग अवेयरनेस, 1 दिन स्टैटिक जीके, 1 दिन बर्निंग इशू। अब बर्निंग इशू में तो इतने बैंकिंग टर्म्स का लाए, निर्मला सीतारमन के पहले, फंड ऑफ फंड क्या होता है, मदर फंड क्या होता है, क्रेडिट गारंटी क्या होती है, कॉर्पस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे टर्म्स पूछते चले गए एमएसएमई की नई डिफिनीशन में क्या चीज है, सब हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों 4 अगस्त की क्लास चलनी है, फटाफट जो है इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 52% प्लस 5% का डिस्काउंट भी चल रहा है, Y162 कोड यूज कीजिए, मेरा कोड है, इस कोड को यूज करके आप गेम चेंजर बैच लीजिए या किसी का भी कोई भी बैच लीजिए, कोई भी मॉक टेस्ट लीजिए, आपको 57% डिस्काउंट मिलेगा। Y162 कोड वहां नहीं दिया होगा इसलिए आपको यहीं से नोट करके जाना है, ऐप के थ्रू जाएंगे तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों, किसी का भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए फटाफट अब हम लोग टाइप्स ऑफ बैंकिंग पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ बैंकिंग। तो मैंने आपको जैसा बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप नहीं बल्कि सर्विस का टाइप होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन होता तो टाइप्स ऑफ बैंक्स लिखा होता, ये सर्विस का टाइप है इसलिए टाइप्स ऑफ बैंकिंग लिखा हुआ है। पहले अपने टाइप पर आ जाते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग, यानी यूनिवर्सल बैंकिंग किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर डिस्कस करी हैं। बिल्कुल कुछ लोग कह रहे सर मूंछ हटा दिया, अरे ये कोरोना वायरस में ना डॉक्टर और जो भी गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आ रही वैसा हम लोग काम कर रहे हैं ना, अब हम लोग की दाढ़ी बनाने वाला कोई है नहीं, कोरोना वायरस की वजह से जो है बियर्ड जो है कि ये कोरोना वायरस और फंसा देगा, आप मास्क लगा के बाहर जा रहे हो लेकिन दाढ़ी में आ गया कोरोना, तो इसीलिए मैंने क्लीन शेव कर दिया है। और इस समय की गाइडलाइन भी यही कह रही है कि क्लीन शेव कर लीजिए, क्योंकि आप बार्बर के शॉप पे जा नहीं सकते, सेटिंग कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए देखिए, संजीव कुमार कह रहे सर थैंक यू फॉर माय सिलेक्शन इन IBPS,
तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप जो है कि ये पूरा अपना मार्क्स और सारी चीजें डिटेल जो बता दीजिएगा, ठीक है। मैं मेरा नाम पीयूष रघुवंशी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग की। यूनिवर्सल बैंकिंग दोस्तों आरएच खान कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी, और यूनिवर्सल बैंकिंग क्या कहती थी कि बैंक के पास कस्टमर बेस है, बैंक के पास गुडविल है, बैंक के पास विश्वास है कस्टमर का, तो इसको वो क्यों नहीं इनकैश करता, क्यों नहीं बैंक प्रॉफिट में आ जाता। तो एक बैंक जो अपना बेसिक काम तो कर ही रहा है, बेसिक बैंकिंग कर रहा है, साथ में वो क्यों नहीं किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके या अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल करके उसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाता है। क्यों खाली एफडी पे फोकस्ड है, क्यों नहीं वो म्यूचुअल फंड बेच रहा है, क्यों वो गोल्ड क्वाइन नहीं बेच रहा है। अब आजकल बैंक जो है बैंकिंग सर्विस के साथ साथ अपने गुडविल को, अपने फेथ को इनकैश कर रहे हैं और बाकी सारी कंपनियों की भी सर्विस दे रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस को तो आईआईडीए रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, लेकिन इंश्योरेंस भी बिक रही है बैंक की ब्रांच से। म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड्स भी बिक रहे हैं बैंक की ब्रांच से, गोल्ड क्वाइंस बिक रहे हैं, एयर टिकट हो रहा है, रेलवे टिकट हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आप ऐप से कर पा रहे हो तो ये आप डीमेट अकाउंट ओपन कर पा रहे हो, शेयर ट्रेडिंग कर पा रहे हो एक बैंक के प्लेटफॉर्म से। तो यानी कि ये बैंक अब क्या कर रहा है, यूनिवर्सल बैंकिंग, यानी कि एक छत के नीचे जब सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाए तो ऐसी जो बैंकिंग जो बैंक कर रहा होगा, ऐसी जो सर्विस दे रहा होगा, उसे हम कहेंगे कि ये बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग कर रहा है। जैसे भारत का पहला बैंक कौन सा था दोस्तों, भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है पैरा बैंकिंग। अब देखिए मैंने ना बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं और इस पे आपको बड़ा ध्यान देना होगा, जो मैं दो बैंकिंग एक साथ पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन जो एक साथ पढ़ाऊंगा उसमें हल्के हल्के से डिफरेंसेस होंगे जिसको आप लोगों को ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए पैरा बैंकिंग, ऑल द एक्टिविटीज दैट अ बैंक प्रोवाइड्स अदर देन द नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी इन इट्स ब्रांच आर कवर्ड अंडर पैरा बैंकिंग। यानी एक बैंक अपनी ब्रांचों में सामान्य बैंकिंग सुविधा के अलावा जो अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है वो सारी गतिविधियां पैरा बैंकिंग के अंतर्गत आती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, हम लोग चैटिंग में लगातार देखते हैं कि ऐसा कोई बच्चा आता है कहता सर मेरा जीए की वजह से नहीं हो पाया इसलिए इस बार हम जीए को बहुत सीरियसली लेंगे। 90% केसेस में यही होता है कि जीए की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जीए को हम हल्के में लेते हैं। तो जीए को कभी हल्के में मत लेना वरना ये डुबा देगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इस बैच का नाम गेम चेंजर रखा हुआ है कि भैया जीए ही गेम चेंजर बनता है, क्योंकि मैथ इंग्लिश रीजनिंग के सभी दुरंधर होते हैं जो प्री से मेंस में गए हैं, जो इंटरव्यू में गए हैं, वहां जिसको बैंकिंग की नॉलेज होती है वही इंटरव्यू क्रॉस करता है और वही मेंस में भी भीड़ से ऊपर आता है, ठीक है। तो देखो पैरा बैंकिंग को आप पैरा एक्टिविटी समझ सकते हो। पैरा एक्टिविटी जानते हो क्या, भूतों की दुनिया, एक दूसरी दुनिया। तो पैरा बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, बैंकिंग के अलावा जो दुनिया है, बैंकिंग के अलावा जो जो सारी गतिविधियां बैंक के अंतर्गत हो रही हैं वो सब पैरा बैंकिंग के अंतर्गत आता है। मैं आप लोगों को सिलॉक्स से समझाता हूँ, रीजनिंग के आपके सिलॉजिज्म से समझाता हूँ कि कैसे आप लोग इसको अच्छे से समझोगे। देखिए एक बैंक का बेसिक काम क्या है, एक बैंक का बेसिक काम क्या है, करेंट अकाउंट ओपन करना, सेविंग अकाउंट ओपन करना, आरडी अकाउंट ओपन करना, एफडी अकाउंट ओपन करना, लोन देना, यही पांच काम है। आरडी और एफडी में टर्म हो एग्रीमेंट हो जाता है इसलिए इसे टर्म डिपॉजिट कहते हैं, और करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में तुरंत पैसा ले सकता है कस्टमर जब भी डिमांड करे इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, डिपॉजिट से पैसे लेना और लोन में देकर के ब्याज कमाना, यही तो बैंक का बेसिक काम है। अब ये सिलॉक्स एक हो गया, एक सर्किल ये बन गया। अब एक दूसरी सर्किल बनाते हैं जो नॉन बैंकिंग एक्टिविटी है, यानी पैरा एक्टिविटी है बैंक के लिए, वो क्या है, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, गोल्ड क्वाइंस बेच रहे हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और भी जो भी एक्टिविटी जो कि बैंक का बेसिक काम नहीं है, ये काम जो है ये क्या कहलाएगा, पैरा बैंकिंग कहलाएगा, क्योंकि ये बैंक का बेसिक काम नहीं है। बैंक अपना प्रॉफिट के लिए कमीशन एजेंट बन करके ये काम कर रहा है, ब्रोकरेज कमा रहा है, बात समझ में आ रही है।
तो ये कहलाएगी पैरा बैंकिंग, जो ये सेकंड सर्किल है। और ये दोनों को मिला दो, ये दोनों सर्किल को मिला दिया जाए, दोनों सर्किल को मिला दिया जाए तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल बैंकिंग। यानी एक बैंक में जो सारे काम हो रहे हैं वो तो यूनिवर्सल बैंकिंग है, लेकिन इसके अंदर जो नॉन बैंकिंग एक्टिविटी हो रही है वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है। जैसे एक ब्रांच मैनेजर को, एक ब्रांच को टारगेट मिलता है कि इस बार का आपका एफडी का ये टारगेट है, इस बार करंट अकाउंट का ये टारगेट है, सेविंग अकाउंट का ये टारगेट है, लोन का ये टारगेट, और आपकी पैरा बैंकिंग एक्टिविटी का ये टारगेट है कि पैरा बैंकिंग से आपको इतना रेवेन्यू लाके देना है। तो ये पैरा बैंकिंग का मतलब क्या कि नॉन बैंकिंग जो काम है उससे आपको इतना पैसा लाके देना है। तो पैरा बैंकिंग का मतलब आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, क्लियर है? पैरा बैंकिंग समझ में आ गया तो लाइक पे प्रेस करके बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया, यस लिख दीजिए कि यस सर समझ में आ गया, बस यस गॉट इट लिखना शुरू कर दीजिए तो बस हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है? और मेरे सारे ये कोर्सेज देखने के लिए आप अड्डा 24/7 के जनरल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने जितनी बैंकिंग पढ़ाई है ना वो जनरल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 12 बजे रोज मुलाकात होती है यहाँ पे, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। दीपक जी मेरी क्लास 12 बजे होती है, दीपक कुमार जी, ठीक है? अब आ जाते हैं दोस्तों अगले सेगमेंट पे, यानी नैरो बैंकिंग में। नैरो बैंकिंग किसे कहते हैं? व्हेन बैंक्स इन्वेस्ट इट्स मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंस्टेड इन्वेस्टिंग इन मार्केट टू अवॉइड रिस्क। यानी जब बैंक जोखिम से बचने के लिए बाजार में निवेश करने के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों में पैसे का निवेश करते हैं तो ऐसी बैंकिंग को नैरो बैंकिंग कहते हैं। ऐसी बैंकिंग को नैरो बैंकिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया साधना कुमारी करे सर, नाइस एक्सप्लेन, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अच्छा रिपीट करना है, क्या चीज रिपीट करना है साधना? स्वीट गर्ल, क्या भैया आप लोग के नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं, बस समझिए, फिर से समझिए, ठीक है? जो बैंक के अंदर नॉन बैंकिंग काम हो रहा है वो पैरा बैंकिंग कहलाएगा, और सारे काम को मिला दो, पैरा बैंकिंग और बेसिक बैंकिंग दोनों को मिला दो तो यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाएगा। एक छत के नीचे जो सारे काम हो रहे हैं यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाएगा। मैंने बोला ना कि बैंकिंग एक सर्विसेज है, एक बैंक के अंदर कई सारी सर्विसेज आएगी। जैसे कि अगर बात की जाए तो SBI यूनिवर्सल बैंकिंग भी कर रहा है और SBI ओवरसीज बैंकिंग भी कर रहा है। तो ओवरसीज बैंकिंग किसे कहेंगे बताओ? ओवरसीज बैंकिंग किसे कहेंगे? ओवरसीज बैंकिंग मतलब अगर कोई भी एक बैंक है जो विदेशों में जाके ब्रांच ओपन कर रहा है तो उसे हम ओवरसीज बैंकिंग कहते हैं। तो विदेशों में जाकर के ब्रांच ओपन कर रहा है, विदेशों में व्यापार कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? ओवरसीज बैंकिंग कर रहा है। यानी बैंकिंग मतलब सर्विसेज, एक बैंक बहुत सारी सर्विसेज कर सकता है, ठीक है? अब जैसे SBI पेपरलेस बैंकिंग कर रहा है, इन्वायरमेंट फ्री जो है को प्रदूषित नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? ग्रीन बैंकिंग भी कर रहा है। अब नैरो बैंकिंग के एग्जांपल देख लीजिए। नैरो बैंकिंग का मतलब होता है कि रिस्क फ्री बैंकिंग, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस या तो कम है और या तो इनका NPA बहुत ज्यादा हो गया है, तो इनको रिस्क फ्री बैंकिंग करने के लिए RBI ने बाध्य किया है, मजबूर किया है। जैसे जितने भी पेमेंट बैंक है उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो पेमेंट बैंक क्या करते हैं? नैरो बैंकिंग करते हैं। पेमेंट बैंक जितने भी है, चाहे जियो पेमेंट बैंक हो, पेटीएम पेमेंट बैंक हो, जितने भी पेमेंट बैंक है सब नैरो बैंकिंग करते हैं, क्योंकि ये नए हैं तो इनको क्या चीज देने की परमिशन नहीं है? इनको लोन देने की परमिशन नहीं होती है, रिस्क फ्री बैंकिंग करना है। यानी नैरो बैंकिंग क्या करती है? नैरो बैंकिंग मतलब ऐसे बैंक्स जो किसी को लोन नहीं दे सकते। यहाँ पे नहीं दिया डिफिनीशन में, आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके किताबी डिफिनीशन से अलग होंगी, एडवांस भी होंगी, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगी। तो नैरो बैंकिंग कौन सी बैंक होती है? जो लोन नहीं देती है, रिस्क फ्री बैंकिंग करती है, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है अभी फाइनेंशियल सेक्टर का। जिनके पास अनुभव नहीं था उनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया था, जिनके पास अनुभव था फाइनेंशियल सेक्टर का उनको स्मॉल बैंक का लाइसेंस दिया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को स्मॉल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया तो अब वो लोन भी दे सकता है। तो अब ये इन्वेस्ट, देखो ब्याज दो तरीके से कमाया जा सकता है, लोन दे करके और इन्वेस्टमेंट करके। तो लोन दे करके और इन्वेस्टमेंट करके दो तरीके से ब्याज कमाया जा सकता है, इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करने को दिया जाएगा इनको प्राइवेट कंपनियों में, क्योंकि रिस्क है
इसलिए आपको प्राइवेट कंपनी में ऐसे बैंक्स को इन्वेस्टमेंट करने को नहीं मिलता है। ये केवल और केवल सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सरकारी निवेश पत्रों में, सरकारी प्रतिभूतियों में। तो सरकारी निवेश पत्रों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नैरो बैंकिंग करते हैं। तो अब बात समझ में आ गई, जो लोन नहीं देते रिस्क फ्री बैंकिंग करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात में आ रही है, एनी एग्जांपल ऑफ नैरो बैंकिंग, सारे पेमेंट्स बैंक एग्जांपल है नैरो बैंकिंग के साधन। ओके, सारे पेमेंट बैंक, चाहे जियो पेमेंट बैंक ले लो, चाहे पेटीएम पेमेंट बैंक ले लो, चाहे कोई भी पेमेंट बैंक ले लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल रोज क्लास होती है 12 बजे, 3 दिन मैं लेता हूं, 3 दिन आशीष सर लेते हैं, और आपके बैंकिंग स्टैटिक और जितने भी फैक्ट्स होते हैं जनरल अवेयरनेस के, वो सारे हम लोग कवर करा रहे हैं। ग्रीन बैंकिंग दोस्तों, ग्रीन बैंकिंग मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैंकिंग होती है, या इसको तुम एक तरीके से पेपरलेस बैंकिंग भी कह सकते हो। तो प्रमोटिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग योर कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम योर बैंकिंग एक्टिविटी, यानी ऐसी बैंक जो पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देती है और अपनी बैंकिंग गतिविधियों से अपने कार्बन पदचिह्न को कम करती है, यानी कार्बन इमिशन कम करती है, कार्बन उत्सर्जन कम करती है, और पेपरलेस सेफ ट्री सेफ पेपर्स को भी बढ़ावा देती है। तो ऐसी बैंकिंग जो है क्या कहलाती है, ग्रीन बैंकिंग कहलाती है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ऑफशोर बैंकिंग पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं, ऑफशोर बैंकिंग। देखिए यहां शिवाजी थमी सेट्टी हैज टेल यू, शिवाजी टोल्ड यू SBI PO complete course is available in Adda 24/7 Telugu. You can join, who belongs to Telugu language. This course you can join by using Y162 code. Yeah, okay. चलिए next. चलिए, नहीं नहीं पेटीएम ऐप में अगर लोन का ऑप्शन है, देखो मैं समझो मेरी बात, पेटीएम क्रेडिट कार्ड भी देता है लेकिन वो सिटी बैंक से टाई अप किया हुआ है, पेटीएम FD भी देता है जबकि पेमेंट बैंक FD नहीं करता है, तो FD के लिए उसने टाई अप किया हुआ है इंडसइंड बैंक से। तो आप ब्रोकर बनके जब इंश्योरेंस बेच सकते हो, जब आप म्यूचुअल फंड बेच सकते हो, तो पेटीएम तो बहुत बड़ा ब्रोकर है ना, तो उसको जो काम RBI करने की परमिशन नहीं दिया है वो क्या अपने कस्टमर को जाने देगा, नहीं, वो प्रोफेशनल कंपनी है, उसने दूसरे बैंकों से टाई अप कर लिया है जिसको RBI ने अनुमति दी है। वो बोलता है कि ठीक है हमारे पास लोन का कस्टमर आएगा तो हम उसको मना नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ है हमारे पास लोन, और सारा प्रोसीजर करेंगे और आपका पकड़ा देंगे लोन भैया कि ये लीजिए, ये इस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, उस पर थोड़ा सा बस मेरा भी नाम छपवा दीजिएगा, समझ रहे हो। इंडसइंड बैंक की FD पकड़ा देगा वो अगर कोई FD लेने आएगा, जबकि पेटीएम पेमेंट बैंक 1 लाख रुपए से ऊपर के डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर के वो डिपॉजिट होते ही उसको FD में कन्वर्ट कर देता है इंडसइंड बैंक के। तो बात समझिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर पेटीएम तो क्रेडिट कार्ड दे रहा है कैसे पेमेंट बैंक तो नहीं दे सकता। तो समझिए काम वो ये सारे करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, RBI ने जिसकी की परमिशन नहीं दी है तो वो दूसरे कंपनी से एजेंट बनके, दूसरे कंपनी का एजेंट बनके, भाई तुम्हारे दुकान पे कोई सामान नहीं तो क्या तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो अपना कस्टमर जाने दोगे, नहीं जाने दोगे। तुम दूसरे दुकान से टाई अप कर लोगे कि भैया तुम्हारा माल हमारे यहाँ कस्टमर आता है हम तुम्हारे यहाँ से लाके बेच देंगे, 50 रुपए नहीं 10 रुपए तो मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट 10 रुपए की नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा कस्टमर वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरा कस्टमर अगर वहां चला गया ना तो फिर मेरे दुकान पर वो वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि मेरे दुकान का सामान कम है। तो ये एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान होती है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई तो लिख दीजिए कि यस सर क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑफशोर बैंकिंग जो आप लोगों ने यहां पे देखा है, ये किताबी मैं डिफिनेशन लिख के लाया हूं, किताबी डिफिनेशन लिख के लाया हूं कि बैंक विच एक्सेप्ट करेंसी ऑफ ऑल कंट्रीज। ऑफशोर बैंकिंग वो बैंक्स होती हैं जो सभी देशों की मुद्रा स्वीकार करते हैं, यही आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये अधूरा सच है। आज मैं आप लोगों को पूरा सच बताऊंगा। ऑफशोर बैंकिंग की एक एलिजिबिलिटी है कि ऐसे बैंक जो सारी करेंसीज में एक्सेप्ट करते हैं, जिनको RBI ने परमिशन दिया है, प्राइमरी डीलर बनाया है फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करने का, वो ही जो है ऑफशोर बैंकिंग की लाइसेंस ले सकते हैं।
ये केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फिर ऑफशोर बैंक किसे कहते हैं? ऑफशोर बैंक कहते हैं दोस्तों जो बैंक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होते हैं। और आप लोगों को मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया था कि फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए जो टैक्स फ्री जोन बनाए जाते हैं उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। यानी एक ऐसा जोन जिसमें हम फॉरेन ट्रेड को, विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए और एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए टैक्स फ्री जोन देते हैं। एक ऐसा भारत की वो भूमि जहां भारत का कानून नहीं लागू होता, जहां भारत के टैक्सेस नहीं लागू होते, तो ऐसे ऐसे जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। जैसे गुजरात का कांडला भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यूपी में नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और भारत में अभी एकदम लेटेस्ट गिफ्ट सिटी बना है गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑफशोर बैंकिंग करते हैं। अब ऑफशोर बैंकिंग होती क्या है ये समझिए। अब से कोई पूछ ले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बैंक होते हैं वो ऑफशोर बैंक होते हैं। बात समझ में आ गई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में होकर के भी भारत के कानून को फॉलो नहीं करते, तो यह जाहिर सी बात है कि वहां के बैंक, वहां पे जो बैंक्स है वो भी इंडियन कंपनी के जो है कि इंडियन लॉ को जो है कि पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, उनको कुछ छूट दी जाएगी वहां की कंपनियों के अकॉर्डिंग। एक बात बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में की एक ब्रांच जो है वो लंदन में है, तो वो ब्रिटेन का कानून फॉलो करेगा, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, या इंडिया का कानून फॉलो करेगा? तो लंदन में जो ब्रांच है वो यूनाइटेड किंगडम का रूल फॉलो करेगा ना, भारत का रूल तो फॉलो नहीं करेगा। तो ऑफशोर बैंकिंग में जितनी ब्रांचेस होती हैं उनको ये ट्रीट किया जाता है कि ये वर्चुअली फॉरेन की ब्रांचेज हैं, वर्चुअली ये फॉरेन की ब्रांचेज है, क्योंकि एक ऐसा जोन बनाया गया है जिससे चाइना ने बहुत तरक्की की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमने चाइना से ही कॉपी किया है कि भाई अगर विदेशियों को भारत में बुलाना है तो उनको टैक्स फ्री जोन दो, ताकि जो है कि उनको सहूलियत मिले, वो इंडिया में आके बिजनेस अपना सेटअप करें। जैसे इस समय लॉकडाउन में चाइना से जो कंपनियां भाग रही हैं वो इंडिया आ रही हैं, इंडिया आना चाह रही, इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है, तो हम उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मेक इन इंडिया में एक से एक सहूलियत दे रहे हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन सहूलियत देने के लिए होता है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बैंक्स होते हैं वो ऑफशोर बैंकिंग करते हैं, और ऑफशोर बैंकिंग का लाइसेंस लेने, केवल वही बैंक लाइसेंस ले सकते हैं जो सभी करेंसियों में, फॉरेन करेंसियों में डील करते हैं। ये हो गई पूरी कंप्लीट डिफिनेशन ऑफशोर बैंकिंग की। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखिए बजट में भी गिफ्ट से रिलेटेड पूछा था, एग्जाम है, तो बात समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगली बैंकिंग की ओर चलते हैं, इस्लामिक बैंकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामिक बैंकिंग किसे कहते हैं? देखो शरीयत लॉ का फॉलो करते हैं जितने भी इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं लोग, और शरीयत कानून में ब्याज का लेना और देना दोनों मना है, ब्याज का लेना देना दोनों हराम माना जाता है कि ब्याज न तो लीजिए न तो दीजिए। तो ऐसे बैंक्स, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि हम यार तुम्हारे बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते क्योंकि तुम्हारे यहाँ ब्याज मिलता है। तो ऐसा कोई अकाउंट बताओ जिसमें ब्याज ना मिलता हो, है ना? तो देखो इस्लामिक म्यूचुअल फंड भी होता है। इस्लामिक म्यूचुअल फंड क्या होता है? ऐसी कंपनियों में वो म्यूचुअल फंड निवेश करता है, ऐसी कंपनियों के शेयर में जो शराब से रिलेटेड काम नहीं करती, क्योंकि यार म्यूचुअल फंड में क्या होता है कुछ लीकर कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो इस्लामिक म्यूचुअल फंड भी होता है क्योंकि वो लोग किसी शराब और आपकी कंपनियों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते। तो इस्लामिक जो चीजें होती हैं उसको समझिए, ठीक है? तो अब ऐसी बैंक जो कि ना तो करें, जो आपके सेविंग अकाउंट पे आपको ब्याज देती है ना तो आपसे लोन पे ब्याज लेती है, तो फिर ऐसे बैंक प्रॉफिट कैसे करते हैं? तो वो ब्रोकरेज के थ्रू प्रॉफिट कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग करके। और ये ऐसा नहीं है कि बिजनेस लोन पे ब्याज नहीं लेते, इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये बिजनेसमैन से क्या बोल के इंटरेस्ट लेते हैं? ये बोलते हैं कि हम आपको लोन नहीं दे रहे हैं, मैंने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है और अब जो है आपसे मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, प्रॉफिट का शेयर ले रहा हूँ, न कि इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो इस्लामिक बैंक भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो ब्याज बोल के नहीं लेते पैसे, वो इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट का शेयर बोल करके बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं लोन के बदले में। बात समझ में आ गया?
क्लियर है झांसी के दारी जी, आपको यहां पे क्लियर हो गया कि इस्लामिक बैंक कैसे प्रॉफिट करते हैं? और इस्लामिक बैंक ज्यादातर जो है कि गल्फ कंट्रीज के अमीर मुल्क लेके जाते हैं गरीब मुल्कों में, गरीब मुसलमान लोगों की मदद करने के लिए। जैसे अभी यूएई का बैंक आया था और गुजरात में उसने इस्लामिक बैंक ओपन किए बहुत सारे। क्लियर है? चलिए झांसी के दादी जी बता दीजिए कि क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग बहुत सारी है, मैंने दो दो के ग्रुप बनाए हुए हैं तो उनका कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। रिटेल बैंकिंग किसे कहते हैं दोस्तों? रिटेल बैंकिंग इसे कहते हैं जो कॉमन मैन की बैंकिंग करता है, जहां पे उसको टू व्हीलर लोन भी मिल रहा है, बाइक लोन भी मिल रहा है, ऑटो लोन भी मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है? रिटेल बैंकिंग हो रहा है ना। छोटे से छोटा सेविंग अकाउंट भी खुल रहा है, बड़े से बड़ा करेंट अकाउंट भी खुल रहा है, तो रिटेल बैंकिंग, जहां खुदरा सारा काम जनरल स्टोर की तरफ सारे काम हो रहे हैं। होलसेल बैंकिंग क्या होता है? जहां पे केवल HNI क्लाइंट्स को डील किया जाता है, बिग कॉर्पोरेट्स को डील किया जाता है। क्योंकि यार देखो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो कहती है अरे आपके इस ब्रांच में तो बहुत भीड़ होती है, हम लोग वहां पे क्या करेंगे। यानी कि जो यहाँ पे बिजनेसमैन को केवल डील किया जाता है, बड़े वाले, जहां पे मिनिमम एक अकाउंट ओपन करने के भी 5 लाख 10 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होता है, ऐसी जो ब्रांचेस होती है, हर बैंक अपना शहर में एक ऐसी ब्रांचेस बनाता है ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में, जो जहां पे आम लोगों का की एंट्री नहीं होती है, केवल बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां एंट्री करते हैं, ताकि वहां भीड़ कम हो और उनको एक स्पेशल प्रिविलेज मिल सके। तो जहां केवल बिग कंपनियां, बिग अमीर लोगों की जो बैंकिंग होती है, उसे होलसेल बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, HNI का मतलब समझ में आया? HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी अमीर क्लाइंट्स को बैंकिंग में HNI क्लाइंट्स कहते हैं। आपको ये सारे टर्म्स जब आप बैंक में जाओगे ना, तो आपको ये सब सुनने में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे सालू चौहान के सर, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। रमेश नंद कह रहे सर नोटिफिकेशन नहीं आता आपके क्लास का। नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है? तुम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 12 बजे बस हमारी क्लास में आ जाओ। 12 बजे ये क्लास होती है, 1:30 बजे हमारी बर्निंग इशू की क्लास होती है। देखो अभी आज RBI ने क्या किया है, RBI ने आज रेपो रेट को 4% कर दिया है। इस पर मैं पूरा का पूरा RBI ने क्या क्या किया, इस पर मैं क्लास लूंगा, है ना। तो RBI ने रेपो रेट को 4.40% से 0.40% घटा दिया है और 4% कर दिया। रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया, वो 3.75 ही है। अब इसकी वजह से बैंक रेट और MSF रेट कितना हो जाएगा, 4.25% हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो भाई ये चेंजेस आज हुआ है, आज की एकदम ताजा खबर है, ताजा खबर 2 घंटे पहले की खबर है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वर्चुअल बैंकिंग देख लेते हैं। देखो हम, मैं तुम लोग को आज वैसी बैंकिंग तो पढ़ाने नहीं आया हूं, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, ये सब है ना। वर्चुअल बैंकिंग के अंदर ये सब आ जाती है। वर्चुअल का अपोजिट क्या होता है? एक्चुअल। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, एक्चुअल मतलब वास्तविक। लेकिन आजकल इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में वर्चुअल दुनिया कहते हैं इंटरनेट की दुनिया को, जो सॉफ्ट है। जैसे आज आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो ये वर्चुअल दुनिया से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो वर्चुअल बैंकिंग क्या है? बिना बैंक गए आप जो बैंकिंग कर रहे हैं, विदाउट नोट्स बनाते जाइएगा, है ना, विदाउट विजिटिंग अ ब्रांच, बिना ब्रांच गए जो आप बैंकिंग कर रहे हैं वो वर्चुअल बैंकिंग। जैसे आप ब्रांच जा ही नहीं रहे हो आजकल और ATM से जाके पैसे निकाल ले रहे हो, वर्चुअल बैंकिंग है। पासवर्ड चेंज कर ले रहे हो, चेकबुक रिक्वेस्ट कर ले रहे हो, ब्रांच जा ही नहीं रहे हो, वर्चुअल बैंकिंग। फोन बैंकिंग के थ्रू चेकबुक मंगा ले रहे हो, अपना मिनी स्टेटमेंट देख ले रहे हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ऐप के थ्रू, ये वर्चुअल बैंकिंग है। तो बिना ब्रांच गए आप जो भी बैंकिंग कर रहे हैं, FD अकाउंट ओपन कर ले रहे हैं, एक ID ओपन कर ले रहे हैं अपने ऐप से, ये सब क्या है? वर्चुअल बैंकिंग आप कर रहे हैं, आप सेल्फ बैंकिंग कर रहे हैं। आप ब्रांच का मैन पावर कम कर रहे हैं, आप अपनी वैकेंसी कम कर रहे हैं वर्चुअल बैंकिंग के थ्रू। वर्चुअल बैंकिंग के थ्रू धीरे धीरे क्लर्क की वैकेंसी कम होती जा रही, क्योंकि मैन पावर की जरूरत ही नहीं है। पहले पासबुक प्रिंटिंग के लिए कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता था, इंप्लॉय लगते थे, वो भाव खाते थे,
अब एक अनपढ़ गार्ड भी खड़ा होता है आपके पासबुक प्रिंटिंग मशीन में, कहता है ये डालिए और आपका तुरंत जो है कि पासबुक अपडेट हो जाएगा किसी इम्प्लॉई। तो जितना ज्यादा मशीन होते जा रहे हैं, एटीएम होते जा रहे हैं, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन, उतने इम्प्लॉयज कम होते जा रहे हैं और इम्प्लॉयज कम होते जा रहे हैं तो वैकेंसी कम होती जा रही है। तो ये वर्चुअल बैंकिंग का एक ये लॉस है हम लोगों के लिए, है ना। रिवर्स रेपो रेट में कोई अंतर नहीं हुआ है, कहां से देव शुक्ला जी आपने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया आपने। गेम चेंजर बैच में ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। ये गेम चेंजर बैच का डेमो है कि गेम चेंजर बैच में चीजें किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे 4 अगस्त तक, और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग की बैंकिंग कॉन्सेप्ट की पहली क्लास है, आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे, कल हम लोग फिर टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे। यहाँ तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ रहे हैं, उस बैच में हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये दोनों बैच मिला करके आपका गेम चेंजर बैच बनता है, 12 बजे की ये क्लास और वो जो वेबिनार पे चल रहा है गेम चेंजर बैच, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 57% डिस्काउंट के बाद इस समय केवल 479 का पड़ रहा है। 4 अगस्त तक क्लास चल रही है, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हो कितना जो है कि वो जीए को क्रेडिट दे रहे हैं। कोर बैंकिंग किसे कहते हैं, कोर बैंकिंग किसे कहते हैं, एनी ब्रांच बैंकिंग। कोर बैंकिंग किसे कहते हैं दोस्तों, एनी ब्रांच बैंकिंग। चलिए फटाफट अब आप लोग मुझे कोर का फुल फॉर्म बता दीजिए, कोर का फुल फॉर्म बता दीजिए। यस, मेरी क्लास होगी, कोर का फुल फॉर्म बता दीजिए फटाफट यहां पर, देखते कितने लोग सही बताते हैं। देखो अब मैं इसको पूरा समझाता हूं तुम लोग को। पहले क्या था कि नेटवर्क नहीं था, नेटवर्किंग नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, तो पहले जो है आपका ब्रांच पे आपके केवल आपके ब्रांच पे आपकी डिटेल होती थी, वो रजिस्टर होता था, वो फॉर्म होता था, वो फाइल होती थी। आप मान लो कोई चेक लेके जाते थे और वो चेक से आपको पैसे क्लियर कराने होते थे, तो एक बुजुर्ग से बाबू आते थे, क्लर्क आते थे, वो आपकी फाइल निकालते थे उस समय की जब आपका अकाउंट खुला है, और आपका देखते थे, साइन मैच कराते थे, साइन मैच करता था तो फिर मैच करके वहां साइन कर देते थे, एक टोकन देते थे, फिर आप कैश काउंटर जाकर के कैश ले लेते थे। आपका अकाउंट नंबर मान लीजिए, कोई अकाउंट नंबर लिख लेते हैं कि आपका अकाउंट नंबर 2356 है या 3256 है। तो अब आप अपने SBI के किसी दूसरे मोहल्ले के किसी दूसरे ब्रांच में चले जाएंगे तो ये 3256 अकाउंट नंबर जो है ये किसी और को अलॉट है। आपकी डिटेल केवल आपके ब्रांच में होती थी कि आप किसी और ब्रांच में जाके ना तो कैश डिपॉजिट कर सकते थे क्योंकि डिटेल ही नहीं था उनके पास, ना तो आप चेक क्लियर कर सकते थे। लेकिन अब जब कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गई, नेटवर्किंग आ गई, सारी सुविधाएं आ गई, तो सारी ब्रांचेस CBS होती चली गई। जो ब्रांच भी कंप्यूटराइज्ड हो जाती है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, CBS ब्रांच कहते हैं। CBS ब्रांच कहते हैं कि ये ब्रांच CBS हो गई। अब CBS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन मिल गया कि अब कोर बैंकिंग हो गई। अब क्या है कि आपका डिटेल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके SBI के हर ब्रांच में मौजूद है। आप अपने देश के किसी भी कोने में किसी भी ब्रांच में जाते हो, अपना चेक देते हो कि मुझे पैसा चाहिए, आपका वो डिटेल मेंटेन करते हैं, आपका अकाउंट नंबर जैसे सिस्टम में डालते हैं, आपकी फोटो, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, आपका पूरा डिटेल, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कब क्या जमा हुआ, क्या निकला, सारी डिटेल उनके लैपटॉप में खुल के आ जाती है, उनके डेस्कटॉप में खुल के आ जाती है, और वो आपका साइन वेरीफाई करके आपको पेमेंट दे देते हैं। तो ये जो आप किसी भी ब्रांच में जाके आप बैंकिंग कर पा रहे हैं, ये जो है कोर बैंकिंग की वजह से संभव हुआ है। अब मैंने कोर का फुल फॉर्म पूछा था, यहाँ अभय भास्कर ने बताया सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, रीता ने बताया, एक्सप्लोर गर्ल ने बताया, सहनाज खातून ने बताया, कार्तिकेय ने, अरुणिमा ने, तो सब लोगों ने बता दिया। अच्छा, आज तो बोला उसने कि रिवर्स रेपो में कोई चेंजेस नहीं किया, देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, कोर बैंकिंग,
तो कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म आप समझ गए, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। लाइव चैट में दिया हुआ है, बच्चों ने लिख दिया है, चैंपियंस हमारे हैं लिख दिए। सेंट्रलाइज्ड हो गई, सी का मतलब सारी ब्रांचेस सेंट्रलाइज्ड हो गई, ओ का मतलब सारी ब्रांचेस ऑनलाइन हो गई, रियल टाइम एक्सचेंज का मतलब पैसा रियल टाइम एक्सचेंज होता है, उधर एटीएम से निकला उधर मैसेज आया, उधर जमा हुआ उधर मैसेज आया, सारा चीज रियल टाइम में हो रहा है। आपका भाई दिल्ली में अगर एटीएम में लाइन में लगा है और आप वाराणसी में हो और आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो और कैशियर ने मुहर लगा के दिया, तो अपने भाई को बोलते हो पैसे निकाल लो एटीएम से, और वो तुरंत निकाल लेता, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है, सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। तो ये होता है कोर बैंकिंग का कमाल। तो समझ में आ गई कोर बैंकिंग किसे कहते हैं? बिल्कुल मनोरंजन दास जी, SBI की 24,000 से ज्यादा ब्रांचेज है, 24,000 से ज्यादा ब्रांचेज है। ठीक है ठीक है ठीक है, तब हो सकता है हो गया हो, लेकिन आज मैं वो देख रहा था कौन सा ABP न्यूज के थ्रू वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें बोल रहा था रिवर्स रेपो में कोई चेंजेस, तो हुआ होगा मैं अभी चेक करूंगा, क्योंकि मैं ये क्लास की तैयारी कर रहा था तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा, हुआ होगा। ठीक है, मैं भी सेशन लूंगा इस पे डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चेन बैंकिंग की। चेन बैंकिंग की, तो चेन बैंकिंग और कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग को देखो मैंने एक साथ लिखा है, तो चेन बैंकिंग किसे कहते हैं और कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग किसे कहते हैं ये समझते हैं हम लोग। देखो चेन बैंकिंग क्या होता है, जब एक ही ग्रुप ऑफ कंपनी ने तीन बैंक अलग अलग ओपन कर दिए या तीन से ज्यादा बैंक ओपन कर दिए, लेकिन तीनों बैंक ऐसे काम कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तीनों बैंक आपस में कॉम्पिटिटर के रूप में काम कर रहे हैं और तीनों बैंक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मालिक एक है। ऐसा कॉन्सेप्ट चाइना में बहुत चलता है। देखो चाइना ने मोनोपोली कैसे बनाई है, कॉम्पिटिशन भी वो आपस में करते हैं, जैसे वो इतने ओलंपियन भेज देंगे कि ओलंपिक में उनके फाइनल में दोनों चाइना वाले पहुंच गए, फाइनल में चाइना पहुंच गया तो भाई कॉम्पिटिशन क्या रहा, गोल्ड भी चाइना का हो गया सिल्वर भी चाइना का हो गया, इसलिए गोल्ड ज्यादा जीतती है चाइना। अब समझ लो चाइना की एक कंपनी है, चाइना की एक कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक, क्या नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक, आप जाते हो ओप्पो खरीदते हो, कहते हो नहीं नहीं ओप्पो बेकार है वीवो ले लेते हैं, ओप्पो बढ़िया नहीं है वीवो बढ़िया है, अरे यार महंगा मोबाइल लो क्या सस्ता ले रहे हो वन प्लस ले लो। अब आपसे इसने पूरे ग्लोसाइन में ओप्पो वीवो पूरे भारत का ग्लोसाइन ओप्पो वीवो वन प्लस से पट गया, अब आपको लगता है यही तीन कंपनी है दुनिया में, अब आप इसका नहीं तो इसका, इसका नहीं तो इसका मोबाइल ले लेते हो। अब पता क्या चलता है कि इन सारी कंपनियों का मालिक कौन है, BBK इलेक्ट्रॉनिक है, सारी कंपनियों में से किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदो वो BBK इलेक्ट्रॉनिक को पैसा जा रहा है। तो जैसे सैमसंग क्या बनाती है, ब्रांड बनाती है, भैया चाइना है, चाइना कंपनी बना देती है कि आप लड़के इस कंपनी से उस कंपनी में जाओगे कि नहीं इसका बेकार था उसका बढ़िया, जाएगा पैसा एक ही के पास। तो ये इस टाइप के जो काम होते हैं वो चेन बैंकिंग कहलाती है, अगर बैंकिंग में हो कि एक आदमी है उसने कई तरीके की बैंक, तो ऐसी बैंकिंग जो होती है वो चाइना में ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें इंडिया में दिखेंगे भी नहीं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नहीं नहीं मर्जिंग को आप नहीं कह सकते क्योंकि मर्जिंग में तो सब एक कंपनी हो जाती है ना, यहाँ तो तीनों अलग अलग काम कर रही है। करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग किसे कहते हैं, देखो ओवरसीज बैंकिंग किसे कहते थे, ओवरसीज बैंकिंग कि जब एक बैंक विदेश में जाके अपनी ब्रांच ओपन कर रहा है तो वो ओवरसीज बैंकिंग कहला रहा था, और इसी का उल्टा कर दो तो करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहलाएगा, यानी एक बैंक विदेश में जा नहीं रहा है, फॉरेन में नहीं जा रहा है, बल्कि फॉरेन के किसी बैंक से टाई अप कर लिया है कि भैया मेरे कस्टमर्स को तुम वहां पे सारी सुविधाएं दोगे जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं। तो जब एक बैंक फॉरेन के किसी बैंक से टाई अप कर लेती है और अपने कस्टमर्स को वहां सुविधा दिलवाती है, फैसिलिटी दिलवाती है, तो ऐसी बैंकिंग जो वो कर रही है उसको करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर USA में देखा जाता है।
यूनिट बैंकिंग क्या होती है? सिंगल ब्रांच बैंकिंग. क्या होती है? सिंगल ब्रांच बैंकिंग को हम लोग यूनिट बैंकिंग कहते हैं. क्लियर है? यानी ऐसी बैंक जो केवल सिंगल ब्रांच एक हेड ऑफिस से चल रही है और बाकी उसके ऐप ही चल रहे हैं, बाकी वो ऐप के थ्रू चले. काफी हद तक हम लोग अपने यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक को कह सकते हैं कि वो यूनिट बैंकिंग कर रही है. ब्रांचेस नहीं देखे जाते बल्कि आपके हर पेटीएम में पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन आ जाता है, पासबुक आ जाता है, उसमें आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और ब्याज भी कमा सकते हैं. तो कहीं ना कहीं एक एग्जांपल पेटीएम पेमेंट बैंक यूनिट बैंकिंग का है कि बिना ब्रांच खोले वो बैंकिंग करवा रहा है ऐप के थ्रू, एक जगह से पूरा ऑपरेट कर रहा है एक ऑफिस से, तो वो यूनिट बैंकिंग कहलाती है. ठीक है? और ब्रांच बैंकिंग क्या होगी? यूनिट बैंकिंग की ठीक उल्टी होगी. यानी जो नॉर्मल बैंकिंग है वो ब्रांच बैंकिंग है, ब्रांचेज ओपन कर करके जो बैंकिंग हो रही है वो ब्रांच बैंकिंग है, जो ब्रांचों के थ्रू जो बिजनेस कर रहे हैं वो बैंक्स, वो ब्रांच बैंकिंग कर रहे हैं. मिक्स्ड बैंकिंग किसे कहते हैं दोस्तों? मिक्स्ड बैंक, अब देखो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सब अलग अलग है ना. ये थोड़ा सा एक एक पर्यायवाची है, एक सिनोनिम्स है, इसलिए मैंने यहाँ और लिख दिया. मिक्स्ड बैंकिंग किसे कहते हैं? यानी एक बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक के भी रूप में काम कर रहा है. कॉमर्शियल बैंक मतलब जैसे कि HDFC, SBI, HSBC जो कि नॉर्मल हम लोग की बैंकिंग कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक के रूप में भी काम कर रहा है और प्लस डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी काम कर रहा है. यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को लोन भी दे रहा है. जो डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, है ना. जैसे IDBI क्या था? एक डेवलपमेंट बैंक था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. बाद में IDBI और बाकी सारे बैंकों को 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद बोला गया कि आप कमर्शियल बैंक भी कर सकते हैं, आम लोगों की बैंकिंग भी कर सकते हैं. तो HDFC लेके आ गया HDFC बैंक, UTI लेके आया UTI बैंक जो एक्सिस बैंक हो गया, ICICI लेके आया ICICI बैंक और IDBI लेके आया IDBI बैंक. IDBI बैंक, ये IDBI 1964 में आई थी जबकि IDBI बैंक 2004 में आया था ना. क्लियर है? अब IDBI भी कुछ दिन बाद क्या हो गया, जो केवल इंडस्ट्रीज को लोन देता था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, ये IDBI बैंक में मर्ज हो गया मेरे हिसाब से 2005 में करीब. IDBI किस में मर्ज हो गया? IDBI बैंक में मर्ज हो गया. यानी अब IDBI बैंक ही किसका काम करने लगा? कॉमर्शियल बैंक का भी काम करने लगा और डेवलपमेंट बैंक का भी काम करने लगा. तो ऐसी बैंकिंग जो दो बैंक जो अलग अलग करती है वो एक साथ होने लगे, यानी डेवलपमेंट बैंक का भी काम कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक का भी काम कर रहा है, तो वो बैंकिंग क्या कहलाती है? मिक्स्ड बैंकिंग कहलाती है. क्या कहलाती है? मिक्स्ड बैंकिंग कहलाती है. क्लियर है? बात समझ में आ रही? लाइक करते ठोकरो चलो भैया, लाइक ठोकते चलो यार, और शेयर करिएगा जरूर, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों. ये मेरी मेहनत है और ये मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांग रहा हूँ, फीस के रूप में मांग रहा हूँ. इसे शेयर कीजिएगा, आप जिस भी ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, सब में शेयर कीजिएगा. ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके सभी दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए. मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सभी लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद कीजिए प्लीज. ठीक है? ये वादा रहा. ठीक है? शेयर कर देना सब लोग बाद में. ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं सोशल बैंकिंग. सोशल बैंकिंग को हम लोग कह सकते हैं गरीबों की बैंकिंग. गरीबों की बैंकिंग यानी कि गरीब लोगों के लिए, समाज के लिए, इसको आप एक तरीके से नीचे बैंकिंग को भी इसमें आप ले सकते हैं. सोशल बैंकिंग का मतलब आप इसको डोर टू डोर बैंकिंग को भी ले सकते हैं कि हर घर तक पहुंचो, हर घर तक पहुंचो, गरीब तक पहुंचो. गरीबों के लिए जो बैंकिंग होती है वो सोशल बैंकिंग होती है. जैसे बैंक हर जगह मौजूद नहीं है तो बैंक मित्र बना करके, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक बना करके आजकल जो है कि गरीबों को अकाउंट ओपन कराया जा रहा है गांव-गांव में. तो बैंक मित्र का कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है. बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी फ्रेंचाइजी दे करके किसी को कमीशन पे दुकानदारों को बोल दो कि गांव में आप लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट कीजिए. बिजनेस करस्पॉन्डेंट बना के या किसी इंप्लॉय को बैंक मित्र बना करके किसी व्यक्ति को, जो गरीबों के लिए बैंकिंग की जाती है वो सोशल बैंकिंग की जाती है. बात समझ में आ रही है?
जो सोशल वेलफेयर पे काम करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, वित्तीय समावेशन की जितनी भी योजनाएं सब सोशल बैंकिंग है, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, जीवन ज्योति योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, ये सब क्या है? सोशल बैंकिंग सर्विसेज है, गरीबों के लिए जो सर्विसेज दी जा रही है कि जहां तक बैंक की पहुंच नहीं है तो और कैसे गरीबों तक पहुंच बनाई जाए। रिलेशनशिप बैंकिंग क्या होती है? देखिए आप प्राइवेट बैंक इसको ज्यादा करते हैं। रिलेशनशिप बैंकिंग में क्या होती है? अमीर कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके एक वहां पे पोस्ट ही होती है, आरएम की पोस्ट होती है जिसका नाम होता है रिलेशनशिप मैनेजर। वो बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करके बाकी बैंकों से उसका अकाउंट अपने यहाँ वापस ले आता है, बाकी बैंकों का लोन टेक ओवर करा के अपने यहाँ ले आता है और अपने यहाँ बिजनेस को बढ़ाता है। जैसे कि अब उसको पता है कि ये कस्टमर आ रहा है, ये बहुत पैसे वाला है, वो लाइन में लगा है, तो रिलेशनशिप मैनेजर अपने एग्जीक्यूटिव से बोलेगा उनको यहाँ भेजो। अब वो उनको बुला लेगा अपने टेबल पे, बोलेगा अरे सर बैठिए आप कहाँ लाइन में लगे। एग्जीक्यूटिव से बोलेगा सर का पैसा जमा करा दो, और इनको बोलेगा सर चाय कॉफी ठंडा क्या लेंगे, पिलाएगा, रिलेशन बनाएगा, और बताइए सर घर में क्या है, क्या किस चीज का काम करते हैं, क्या कंपनी है, घर में कितने लोग हैं, अपना धीरे धीरे बात व्यवहार कर लेगा, मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेगा, और वो वहाँ बैठा है एसी की हवा खा रहा है, चाय पी रहा है, तब तक उसका स्लिप आ गया, लो पैसा जमा हो गया, अब वो खुश हो गया। बोले सर आप तकलीफ मत क्या कीजिए, आप अपने ऑफिस से बोल दिया कीजिए, मैं पिकअप करा लूंगा। अब उसका धीरे धीरे भौकाल बनते जाता है ना, थोड़ा थोड़ा इमेज बनते जाता है, वो अपने बाकी दुकानदार उसमें कहता है अरे यार हमारा बैंक देखो, अभी देखो फोन करेंगे चेक लेने आ जाएगा बंदा, वो फोन करेंगे वो बोलेगा हाँ सर अभी भेजते हैं वो चेक लेने। अब देखो इतना काम हो गया, अब देखो वो भी रौब में आ गया कि यार बैंक मेरी है, मेरी बात मानती है, ये बैंक बहुत अच्छी है। अब आया दोबारा अब इसका मौका भजाने का, अब ये कैसे भुनाएगा? एक दिन फोन करेगा सर ये टारगेट आया हुआ सेविंग अकाउंट का, हम 5 फॉर्म भेज रहे एग्जीक्यूटिव के, अपने घर में जितने लोग हैं सबका अकाउंट खोल दीजिए। अब ये मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने भी बहुत काम बोला है। फिर एक दिन बोलेगा सर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्याज चल रहा है, आपका एक लोन चल रहा है 9% पे, अरे हम 8.5% पे आपका यहाँ पे करवा देते हैं। वो लोन टेक ओवर करा लिया, पता चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अकाउंट भी चल रहा है जिसमें ये करोड़ों रुपए रखे हैं, वो अकाउंट भी टेक ओवर करा लिया। तो धीरे धीरे पूरी बैंकिंग रिलेशनशिप करके यहाँ पे कर ली। तो ये आरएम का काम होता है, आरएम को हेड ऑफिस से डेटा जाता है कि ये आपके कस्टमर के पास दूसरे बैंक में ये लोन है, दूसरे बैंक में ये, तो ये HDFC बैंक इसमें बहुत अव्वल है, मैंने उसमें काम किया है तो मैं जानता हूँ कि वो हेड ऑफिस से डेटा आता है कि भाई इस बैंक, इस कस्टमर का बैंक ऑफ बड़ौदा में ये अकाउंट है, PNB में ये अकाउंट है, यहाँ ये लोन चल रहा है, इसको आपको टेक ओवर कराना है, जिम इनको टारगेट दिए जाते हैं। ठीक है, अब शैडो बैंकिंग और क्वासी बैंकिंग किसे कहते हैं, बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी यहाँ पे, किताबी नॉलेज नहीं, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ भाई, मैंने बैंकिंग को जिया है इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2005 से अपन बैंकिंग में, तो इसलिए मैं आप लोगों को हर चीज प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अरे बिल्कुल गजाने जी, बहुत बढ़िया। NEFT RTGS के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम में। मनोरंजन दास जी एक बार जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप जब अड्डा 24/7 यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे जनरल अवेयरनेस में, तो मेरे सारे आपको बैंकिंग के जनरल अवेयरनेस के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एक बार डिटेल में देखिए, वहाँ NEFT RTGS सबके बारे में बताया। शैडो बैंकिंग और क्वासी बैंकिंग किसे कहते हैं दोस्तों? एक बैंक, एक ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग कंपनी होकर के भी बैंकिंग का काम कर रही है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, ऐसी NBFCs को क्वासी बैंकिंग और शैडो बैंकिंग करते हुए देखा जा सकता है। जैसे मुथूट फाइनेंस, घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, मणपुरम लोन, तो ये जो है ना, ये देखो FD भी करा रही है, RD भी करा रही है, लोन भी बांट रही है, तो जो NBFCs हैं जो लोन दे रही है, बैंकों की मदद कर रही है, बैंकों वाला काम कर रही है, लेकिन बैंक नहीं है, RBI एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है, RBI ने इनको लाइसेंस नहीं दिया है, तो ये सब कौन सी बैंकिंग कर रही है? शैडो बैंकिंग कर रही है। लाइव वीडियो देखने के लिए 12 बजे जुड़िए गोविंद यादव जी, 12 बजे जुड़िए, और शाम को आप 8 बजे जुड़िए, 8 बजे भी हम लोग बैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं गेम चेंजर बैच में, बैंकिंग करेंट अफेयर बर्निंग स्ट्रेटेजी के कंप्लीट GA बैच है भाई, गेम चेंजर बैच, और वो भी मात्र 479 में, तो भाई इससे बढ़िया ऑफर कहाँ मिलेगा। बिल्कुल अब शीत खजाने जी आपका GA कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी बैंकिंग को पढ़ा हम लोगों ने, है कि नहीं? अच्छा एक बैंकिंग और समझ लो, एक होता है पैरेलल इकोनॉमी, वो तो हवाला वाला होता है जो इल्लीगल मनी ब्लैक मनी वाला होता है, लेकिन यार मैं पैरेलल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरेलल बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। पैरेलल बैंकिंग किसे कहते हैं?
जब एक बैंक, एक कंपनी है, एक ग्रुप है, वो बैंक भी ओपन करके रखी है और बैंक वाला मजा ले रही है, और एक एनबीएफसी भी ओपन करके बैठी है और एनबीएफसी की आजादी का मजा भी ले रही है, जैसे एचडीएफसी ग्रुप। एचडीएफसी ग्रुप का एचडीएफसी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और एचडीएफसी बैंक है जो बैंक है। अब बैंक है तो वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन आरबीआई में बंधा हुआ है बंधनों में, तो वो उसका भी मजा ले रहा है, और एनबीएफसी में वो आरबीआई के बंधनों में बंधा नहीं है तो वो आराम से लोन भी बांट रहा है। तो दोनों तरीके के मजे जो ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पैरेलल बैंकिंग कर रहे हैं। दोस्तों बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आई, बहुत बढ़िया मनुजाला जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, यहाँ पे अमन उजाला कह रहे सर आईसीसी बैंक में मैंने काम किया है, बिल्कुल ऐसे ही होता है सर, रिलेशनशिप बना करके बाद में जो है मुर्गा और बकरा हलाल कर देते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और बैंकिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, मर्चेंट बैंकिंग की। मर्चेंट बैंकिंग किसे कहते हैं दोस्तों? तो मर्चेंट बैंकिंग इसे कहते हैं कि जब एक बैंक अपने कस्टमर को कस्टमर ना समझ के अपना क्लाइंट समझ ले, क्लाइंट समझ ले, जैसे कि वो केवल उसको बैंकिंग सर्विस नहीं दे रहा है, लीगल मैटर पे भी एडवाइस दे रहा है, उसके जो है फाइनेंशियल मैटर पे भी एडवाइस दे रहा है, उसका आईपीओ भी लॉन्च करवा रहा है, उसके शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, हर चीज के थ्रू उसको पैसे प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे कि भारत सरकार का मर्चेंट बैंक आरबीआई है। ये आप कई बार फंक्शंस ऑफ आरबीआई में पढ़ते होंगे, क्यों? क्योंकि भारत सरकार का अकाउंट भी आरबीआई में है, भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आरबीआई इशू करता है, भारत सरकार को लोन भी आरबीआई प्रोवाइड कराता है, भारत सरकार की मदद भी आरबीआई करता है हर मैटर पे। तो अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, तो भारत सरकार भी अनाउंसमेंट कर रही है, तो आरबीआई भी अनाउंसमेंट कर रही है। तो जब केवल कस्टमर के रूप में नहीं, क्लाइंट सर्विस के, तो ये कैपिटल मार्केट में मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज देखी जा सकती है कि जब एक बैंक उस कंपनी के हर मैटर पे जो उसको एडवाइस करता है, चाहे उसका मैनेजमेंट मैटर हो, चाहे वो उसका इकोनॉमिक्स का मैटर हो, चाहे वो उसका फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे उसका लीगल मैटर हो, चाहे उसको कोई फाइनेंशियल नीड हो, हर चीज पे उसको जो है कि एडवाइस करता है, तो ऐसी बैंकिंग को हम लोग मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं। बिल्कुल, नॉट ट्रीट एज कस्टमर बट ट्रीट एज क्लाइंट। बिल्कुल सनी शर्मा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बैंकिंग पढ़े, किसी दिन टाइप्स ऑफ बैंक भी पढ़ेंगे, तो हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों उसमें। क्लियर है? तो गेम चेंजर बैच को ज्वाइन कर लीजिए भैया, लेट मत कीजिए, क्लासेस छूटती जाएंगी नहीं तो। आज हम लोग की बैंकिंग की पहली क्लास है, तो भैया ये क्लास आप ज्वाइन करिए, Y162 कोड यूज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन करिए, बन गेम चेंजर बैच के अलावा भी, तो 52% प्लस 5% यानी 57% का डिस्काउंट मिलेगा। Y162 कोड यूज कर लेना किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? और Adda247 पे लाइव क्लास में जाके गेम चेंजर बैच आज ही ज्वाइन कीजिए, शाम को 8 बजे मुलाकात होगी उसी बैच में, और रोज मुलाकात होगी, 4 अगस्त तक ये क्लास चलने वाली है, तो रोज मुलाकात होगी। Adda247 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है, लाइक करके जाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा क्या क्या चीजें आपने नहीं सीखी, और इसे शेयर कीजिएगा ज्यादा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।